आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी, जाने सीबीटी एक परीक्षा पैटर्न और कैसे करें तैयारी। नमस्कार दोस्तों, जीआरएस टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन से जुड़े महत्वपूर्ण सूचना। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, भारतीय रेल के ग्रुप डी के लिए आवेदन करने वालों के लिए बड़ी खबर है। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म में फोटो और सिग्नेचर में गलती की थी, उसे सुधारने का मौका दिया जा रहा है। उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। फोटो और सिग्नेचर में किसी तरह की गलती को सुधारने के लिए रेलवे ने 15 दिसंबर से 26 दिसंबर तक का वक्त दिया था। 1 लाख से ज़्यादा पदों के लिए कई चरणों में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। आपको मैं बता दूँ कि परीक्षा की तारीख से करीब 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। 23 फरवरी से परीक्षा है। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप डी के लिए 23 फरवरी से परीक्षा शुरू होने वाली है। कोरोना की वजह से इसे भी अलग अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा। रेलवे की नोटिस के मुताबिक मूल एडमिट कार्ड एग्जाम के 4 दिन पहले मुहैया कराया जाएगा। परीक्षा के पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी में 100 अंक के 100 सवाल पूछे जाएंगे और जवाब देने के लिए 90 मिनट का वक्त मिलेगा। हर एक सही जवाब के लिए 1 अंक और 3 गलत जवाब के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा में कुल 4 खंड होंगे। सामान्य विज्ञान से 25 सवाल, मैथ से 25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल और उसके साथ करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान से 20 सवाल पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो अब सवाल है कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। सामान्य तौर पर ग्रुप डी का सिलेबस रेलवे की दूसरी भर्तियों की तरह ही है। अगर आप यूपी, लेखपाल, सीटेट या टेट स्तर की तैयारी कर रहे हैं तो आप राह आसान होगी। किसी भी परीक्षार्थी को सफलता पाने के लिए मॉक टेस्ट, ग्रुप स्टडी और पिछले वर्षों का क्वेश्चन ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।